सुमुखी सुलोचनी प्राण पियारी रूठ रही क्यों काहे बिकल मन। बरसा बरस पिछले लगभग 50 साल से 75 वर्ष के भुवन चंद्र जोशी अपने गांव से करीब 6-7 किलोमीटर नीचे बसे कुमाऊं के एक छोटे से शहर पिथौरागढ़ में डेरा डाल लेते हैं। 2 महीने के लिए घर परिवार काम काज सब कुछ भुला बिसरा कर और अभिन्न अंग बने हुए हैं एक ऐसी परंपरा का जो कुमाऊं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, रामलीला। मेरा नाम प्रेम मटियानी है और मैं हूँ हिमांशु जोशी। मैं पिछले 5 दशकों से रामलीलाओं से जुड़ा रहा हूँ, एक व्यक्ति के रूप में, कलाकार, रंगकर्मी और निर्देशक के रूप में। मेरी यात्रा इसी रामलीला से शुरू हुई। मेरी क्षमताओं और अनुभवों का श्रेय मूलतः इसी पारंपरिक संगीत नाट्य विधा को जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस अनूठी और दुर्लभ पारंपरिक शैली से 2 दशकों तक एक कलाकार के रूप में जुड़ने का मुझे मौका मिला। मुझे हमेशा इस शैली ने विस्मित किया है। इसमें कुछ है जो दूसरों से अलग है और उसे जानने समझने की जिज्ञासा आज भी उतनी ही प्रबल है। हम आपको इस महायात्रा पर लिए चलते हैं। महायात्रा एक पारंपरिक शिल्प और शैली की उन सब साथियों और संदर्भों के साथ जो पिछले 200 सालों से भी ज़्यादा से इससे जुड़े रहे हैं। कूर्मांचल यानी विष्णु के एक अवतार कूर्म का अंचल कालांतर में कुमाऊं बन गया। हालांकि आध्यात्मिक और धार्मिक आधार पर यह अंचल शैव परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन विष्णु के ही एक और अवतार श्री राम की कथा के मंचन की एक ऐसी परंपरा यहां जन्मी जो आने वाली सदियों में यहां की संस्कृति का पर्याय बन गई। तनी कनी हारो तुम जानकी की छवि भाई, बाटी का फिरत कोटि चंद्र भी लजाई है, तनी कनिहारो तुम गति गजराज कैसी, कटि मृगराज जैसी, घूंघट है हय कैसो हिरनी से नैन है, राम कथा का नाट्य रूपांतर ही रामलीला है, जिसमें हर क्षेत्र की अपनी अपनी छाप साफ दिखाई देती है। कुमाऊनी रामलीला में ये छाप और भी गहरी और प्रखर है। लगभग 200 साल से कई पीढ़ियों ने इसे संजोया है, संवारा है और अगली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में हस्तांतरित किया है। कुमाऊनी रामलीला में 2 प्रमुख बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि इसकी जो मुख्य पात्र हैं
जैसे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, भरत है, शत्रुघ्न है, ये बहुत छोटी वयस के बच्चे होते हैं, मुश्किल से 12-13 बरस की आयु के बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की रामलीला की, वो ये है कि ये विशुद्ध रूप से गई पद्धति पर आधारित है। इसमें संवाद नहीं के बराबर है। चाहूं तो पलट सकता हूं मैं, चाहूं तो पलट सकता हूं मैं, एक क्षण में यह जर दिया था, एक क्षण में यह कर दिया था, एक रावण क्या सौ रावण हर पात्र जो है अपनी बात को गाकर ही कहता है और दूसरा पात्र जो है उसको गाकर ही उसको जवाब देता है। तू रहता है यहाँ बातें करता है उनकी, ऐसा कहने में आती है तुझे लाज नहीं, कुल द्रोही न मुझको दिखा ना सकल, कुल द्रोही न मुझको तू दिखा ना सकल, अन्य हाँ ये समझ ले बुरा हो गया, अन्य हाँ ये समझ ले बुरा हो गया। तेरी सोने की लंका मुबारक तुझे, तेरी सोने की लंका मुबारक तुझे, मैं खुशी से यहाँ से किनारा करूँ। 150-200 साल से वही धुनें चलती चली आ रही हैं और उसकी खासियत यह है कि हर साल वो धुनें बिल्कुल नई प्रतीत होती हैं और लोग लालायित रहते हैं उन धुनों को सुनने के लिए। रावण तू भयो, भयो है महान्यायी, अन्यायी रावण भयो है महान्यायी, भयो है महान्यायी, रावण तू भयो, भयो है महा। कोई लिखित इतिहास तो हमको अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन जो श्रुति परंपरा जो आती है बुजुर्गों से, तो ये है कि कुमाऊनी रामलीला अपने विशिष्ट स्थान जो बनाए वो अल्मोड़ा से ही इसका कहना चाहिए फैला हुआ, इसका जो गठन है, जो कलेवर है, जो टेक्सचुरल जो एक गेटअप चाहिए एक नाटकीय अभिव्यक्ति के लिए, वो अल्मोड़ा ही एक स्थान है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। यह है सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का एक छोटा सा मोहल्ला बद्रेश्वर। यहाँ इसी जगह पहली कुमाऊनी रामलीला मंचित हुई, जिसने अगले लगभग 175 सालों में एक विशाल सांस्कृतिक आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया। कुमाऊनी रामलीला
मूलतः रामचरितमानस पर आधारित है, लेकिन नौटंकी या स्थानीय शैलियों का और साहित्य का प्रभाव भी इस पर बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे आप जब राम लक्ष्मण सीता वनवास को जा रहे हैं तो तीनों गाते हुए निकल रहे हैं, वो बंदिश सब राजपाट छोड़ कर जंगल को चलते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, घर से निकलते हैं। बिल्कुल, कुछ राज ताज ऐश के जाने का गम नहीं। ये भाषा बहुत ये इसको हमें ध्यान देना चाहिए इस पर कि कुछ राज ताज ऐश के जाने का गम नहीं, लेकिन पिता के वचन को नहीं हम बदलते हैं। या जिस वक्त सीता हरण हो रहा है, रावण सीता को पुष्पक विमान में बिठा के ले जा रहे हैं और सीता अपने आभूषणों को चिन्हों के तौर पर गिराती हुई जा रही हैं और विलाप कर रही हैं कि सासू तैने कौन विपद मुपै डारी, घर छूटा छूटे प्रभु लक्ष्मण असुर लिए मोह जारी। या धनुषज्ञ के बाद परशुराम की एक बंदिश है कि बोलत नाहीं विचारी वचन मति मंद गवार मिला मुझको। और एक बहुत ही रोमांचक और बहुत रोचक उदाहरण मेरे जहन में आता है, एक पात्र है ताड़का। हाँ। और वो ताड़का की एक बंदिश है जिसमें ध्वनि का और ताड़का के नाम का उसमें प्रयोग किया है कि मैं तो ताड़का तड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 200 साल की इस महायात्रा में स्थानीय साहित्यकारों का, रंगकर्मियों का प्रभाव बहुत गहरा और बहुत व्यापक स्तर पर रामलीला में पड़ा है। मैं इसके औचित्य की विवेचना में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्वाभाविक रहा होगा और स्थानीय खुशबू और जायका ज़रूरी भी है। हम सदा से मल्टीलिंगुअल रहे हैं, हम बहुभाषी रहे हैं, हम एक साथ कुमाऊनी, संस्कृत, हिंदी और हिंदी में भी ब्रज और अवधी और उसके साथ अंग्रेजी और उसके साथ अगर हम भोटिया हैं तो तिब्बती और अगर हम थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड के मुस्लिम हैं तो उर्दू फारसी, इस सब से हमारा ताल्लुक रहा है। खुद हमारे पुरखे कुमाऊं में जो हैं अच्छी खासी फारसी और उर्दू जानते थे और उर्दू यहाँ के बाकायदा जो एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस जमाने में अंग्रेजों के आने से पहले भी उसमें अच्छा खासा इस्तेमाल उसका होता था। ये तो बात हुई भाषा के स्तर पर जो कथानक पर प्रभाव पड़ा उसकी, और जब हम संगीत की बात करते हैं, तर्जों की बात करते हैं, बंदिशों की बात करते हैं तो हमें मुख्यतया चार पहलू नज़र आते हैं। वो है राजस्थान का संगीत, राधेश्याम कथावाचक, नौटंकी और सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्रीय संगीत। और जब हम इनके एक एक उदाहरण देकर देखेंगे तो ये बहुत साफ हो जाएगा कि कितना प्रभाव इन अलग अलग शैलियों का, इन अलग अलग विधाओं का हमारे संगीत पर, रामलीला के संगीत पर पड़ा है। तो मुझे राजस्थान की मांड गाकर गुनगुना कर सुनाओ। केसरिया बालम हावोनी पधारो मारे देश। बिल्कुल हूबहू इसी तरह की तर्ज है। आली बता काहे को तेरे मन, सखीरी बता काहे को तेरे मन, राम अभिषेक न भावत है। ये हो गया राजस्थान का संगीत जी। अब हम बात करते हैं नौटंकी की। जैसे हम वो सूर्पनखा की एक बंदिश है उसे गुनगुनाओ। मैं सिगरेट संचार नहीं नहीं मेरा रूप देख कर। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया, मोपेंद्र मोहित हो गया, मोपेंद्र मोहित हो गया, मुझे देख ऋषियन तप गया, पर क्या करूं ए राम तुम पर दिल मेरा भरमा गया। सो इस तरह से ये देखो कि बिल्कुल नगाड़े की ध्वनि जो है अपने कानों में गूंजने लगती है। हाँ। अब है आखिरी से पहले राधेश्याम कथावाचक, और राधेश्याम कथावाचक बहुत सीमित एक उनकी धुन थी जो मैं तुम्हें गा के बताता हूँ।
घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला नारी है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अंग वो है शास्त्रीय संगीत का। अब जैसे तुम परशुराम की बंदिश मालकोश वाली तीन ताल में उसे गा के देखो। किसने तोड़ा धनुशंकर का, किसने तोड़ा धनुशंकर का, टूटत ही डोला संसार। और बिल्कुल इसी तरह की एक केदार में एक बंदिश है, बिल्कुल विशुद्ध केदार। धीक जीवन तब बन देना चली, धीक जीवन तब बन देना चली, पछतावेगी रोगी रानी, पछतावेगी रोगी रानी, धिक जीवन तब बन देना चाहिए। जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए लोग, वो सिलसिला ये समझ लिया आज तक है, जो बाहर गए तो कुछ सीखे, कुछ उन्हें देखा, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने इलाहाबाद गए, बनारस गए, लखनऊ गए, तो यही तीन चार स्थान आप जानते हैं कि यहाँ के बड़े सांस्कृतिक गतिविधियों के बड़े आधारभूत स्थल रहे हैं, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ। तो सीखा, सुना, देखा, फिर उसका जब घर आए तो प्रयोग किया, तो उससे ये चीज़ उभर गई, ये चीज सामने आई। अल्मोड़ा से रामलीला शुरू होती है और अल्मोड़ा हमारे सांस्कृतिक एसिमिलेशन का सबसे बड़ा जगह रही। अगर आप कुमाऊं के स्तर पर कहें तो कुमाऊं के छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं वहाँ आके बसे, जब वो राजधानी लगभग 1563 के 64 के आसपास बनी होगी, तो जगह जगह से कुमाऊं के लोग आए और बाहर से बहुत सारे लोग आए, मुस्लिम, छोटी सी मुस्लिम पॉपुलेशन आई, नीचे मैदानों के लोग आने शुरू हुए, तिब्बत के लोग भी उस दौर में आते थे, भोटिया लोग व्यापार के दौर में आते थे, आदि आदि। तो एक मिश्रित समाज जो है अल्मोड़ा का बना, और उस मिश्रित समाज की जो अभिव्यक्ति थी वो भी मिश्रित होनी थी। और इस तरह कुमाऊं की संस्कृति विभिन्न समुदायों की जीवन पद्धति का एक ऐसा मिला जुला मिश्रण है जो बहुत सहज सामान्य तरह से एक दूसरे में घुलती मिलती रही और एक समग्र संस्कृति का रूप अख्तियार करती चली गई। इसी सांस्कृतिक धरोहर की सबसे महत्वपूर्ण और बेहद खूबसूरत मिसाल है रामलीला। शक्ति लगी मूर्छित हुआ, शक्ति लगी मूर्छित हुआ, व्याकुल है मेरा वीर, शक्ति लगी मूर्छित हुआ, व्याकुल है मेरा वीर, बंधु बिना संग्राम में, बंधु बिना संग्राम में, कौन धरावे धीर, अब मेरो लखन बीतो जात सखा तुम, मेरो लखन बीतो जात सखा तुम, बेगी अयो रे तुम, जावो पवन सुत लावो सजीवन, बेगी अयो रे तुम, जावो पवन सुत लावो सजीवन, बेगी अयो रे। हर साल
एक सामुदायिक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में आयोजित होने वाली रामलीला के कई पक्ष हैं। आपके पास सुंदर पद्यात्मक आलेख हैं, बंदिशें हैं, तकनीकी साज सामान है, सामाजिक दायित्व को बखूबी निभाने वाले कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण हैं कलाकार और उनका प्रशिक्षण, जिसे तालीम कहा जाता है। हम तो लगभग 2-2.5 महीने के करीबन तालीम देते हैं बच्चों को, और बच्चों को भी और जो बड़े हमारे पात्र हैं वो भी तालीम पर, तो सभी पात्र आते ही आते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि गाने जितने हैं वो सब कंठस्थ हो जाएं सभी पात्रों को, और गला जो है उनका खुल जाए, उसमें मिठास आए, ताल लय जो कुछ भी है उस पर वो सही खड़े उतरे। सुरीला गाना नहीं चाहिए आपका, गाने में बह जाइए, बिल्कुल उसके साथ जाइए गाने में। चलिए, शुरू शुरू में जब आपके पास पात्र आता है तो वो तो एक बिल्कुल अनगढ़ मिट्टी का लौदा होता है, उसे न स्वर का ज्ञान है न ताल का है, वो ठोक पीट के उसको आप बनाते हैं। हम करीब 1.5 महीने से इस पर तालीम, हमारी रिहर्सल चलती है। मैं तालीम में रोज आ रहा हूँ और मैं रोज गाना गा के एक्टिंग सीख रहा हूँ। आंखों से किस तरह से बोलना है, कंधे से किस तरह से बोलना है, हाथ से किस तरह से आप बोल सकते हैं, ये चीज़ें हमें बताते हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव हमें इससे मिलता है। जब मैं यहाँ पे आया हुआ था तो सबसे पहले मुझे यही चीज़ सिखाई गई थी कि अगर जब तुम स्टेज पे करते हो तो तुम ये सोचो कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, तो सोचो कि उन पर कितना गुस्सा होगा, और वही चीज़ तुम ये सोचो कि तुम लक्ष्मण हो, तो उस चीज़ को मैं सोचते हुए स्टेज पे करता हूँ। इन्होंने मुझे फर्स्ट में बताया कि किस तरह से रोल किया जाता है, किस तरह से अपने आप को उस किरदार में डुबाया जाता है अपने आप को, तो अब मैं आसानी से इसको कर लेता हूँ। निरंतर बिना किसी भी वर्ष एक व्यवधान के ये रामलीला 114 सालों से चल रहा है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान। इसकी तैयारी के लिए जैसे हम पहले आए थे यहाँ पे तालीम में, तो हमें बैठ के कराया था, तो हम लोग सब गाना गा रहे थे, तो फिर ऐसे बढ़ता गया ऐसी एक्टिंग, फिर एक्टिंग थोड़ी थोड़ी मुझसे नहीं हो पाई। दा,
सीता तो मैं पहली बार बनी हूँ, तो मतलब मुझे बचपन से सीता बनने का बहुत क्रेज़ रहा है कि मैं भी सीता बनूँ। मैं इससे पहले राम लक्ष्मण के खेल चुकी हूँ। किया और जितने भी यहाँ गुरुजन हैं उनसे मैंने सीखा। मतलब कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना, मतलब इतने लोग कर चुके हैं, मतलब क्यों ना मैं भी करूं, और मैं भी चाहती हूँ कि मतलब सब मुझे भी जाने कि ये राम बनी है। मतलब अपने मन में एक होता है कि एक भावना आती है कि हम ये सब चीज़ें सीखें। ये तो हुई तालीम की बात। अब हम मंच, रूप सज्जा, साज सज्जा, प्रकाश, इन सब पहलुओं पर सिलसिलेवार बात करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल, जिसकी पहचान है ये झील। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ है वो जगह जहाँ तकरीबन 100-125 साल से नैनीताल की रामलीला आयोजित होती आ रही है। चलो वहाँ चलते हैं। ये नैनीताल की सब्जी मंडी है। तड़के सुबह यहाँ सब्जी खरीदने बेचने की गहमा गहमी लगी रहती है और शाम ढलते ढलते यहाँ रामलीला मंचन की अफरा तफरी शुरू हो जाती है। ये पिथौरागढ़ का दुमंजिला मंच है। पहले यहाँ पर किले के सामने सिर्फ खाली जगह थी, जिसको रामलीला के समय पर्दों के पारंपरिक मंच का स्वरूप दे दिया जाता था। इस मंच के सामने जमीन पर बैठा होता था विशाल दर्शक समूह। ये है अल्मोड़ा शहर के हुक्का क्लब का मंच। शहर की घनी आबादी के बीचों बीच इस संकरी गली से होकर जाता है इसका रास्ता। ये अल्मोड़े की रामलीला का पारंपरिक रंगमंच है, नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में।
ये है अल्मोड़ा के धारानौला मोहल्ले का एक छोटा सा मंच। स्थान का अभाव अवश्य है, लेकिन भावना का नहीं। यदि भावना सच्ची है तो विकल्प निकल ही आते हैं, फिर चाहे वो नाई की दुकान की छत ही क्यों ना हो। पहले जब रामलीला होती थी तो मंच किस तरह के होते थे? अब बताता हूँ। शुरुआती दौर में मंच कुछ ऐसी जगहों पर बनाए जाते थे, एक समतल जगह जहाँ पर मंच और पार्श्व मंच बनाए जाते थे, और दर्शकों के लिए एक सीढ़ी नुमा ऊंची जगह, एक तरह का एम्फी थिएटर समझ लो। हे पक्षियो बता दो सिया जी किधर गई, वृक्षो तुम्हें बता दो सिया जी किधर गई। देखा तुमने कैसा अद्भुत प्रभाव पैदा होता है। बारिश आंधी तूफान में चीड़ के इन गिरे पड़े पेड़ों से एक विशेष प्रकार की लकड़ी निकाली जाती थी, जिसे यहाँ कुमाऊनी बोली में छिलुका कहते हैं। छिलुका मंच पर प्रकाश करने के काम भी आता था और दर्शकों के रात में अंधेरे में आने जाने के भी। सदा भवानी दाहिनी ये पांच देवा रक्षा करने ब्रह्मा विष्णु महेश। जब हमने रामलीला देखनी शुरू की, और आप आज समझिए कि आधी शताब्दी पहले का दृश्य मैं बता रहा हूँ, तो उसमें चार बड़े पेट्रोमैक्स, रामलीला कमेटी के पास पेट्रोमैक्स नहीं होते थे, चार बड़े लोग इलाके के जो हैं सभापति या जिनका बेटा फौज में सूबेदार या कुछ कर्नल या लेफ्टिनेंट है, वो अपने कभी कभी लौट के पेट्रोमैक्स लाते थे, उसकी मेंटल लाते थे, और वो शादी ब्याह में और रामलीला में ही सिर्फ जलती थी। जैसे खाली जमीन दुमंजिले मंच में तब्दील हो गई, तकनीकी साजो सामान का चलन भी रामलीला कमेटियों की हैसियत के मुताबिक बढ़ने लगा। पेट्रोमैक्स की जगह हैलोजन्स, फ्लडलाइट्स और स्पॉट्स ने ले ली, और माइक या कहीं कहीं लेपेल माइक्स तक का इस्तेमाल जरूरी मान लिया गया। हालांकि इनके इस्तेमाल से रामलीला के पारंपरिक खुले गाने के अंदाज में नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ा है। यह है भांग के पेड़ की टहनियां, जिन्हें कुमाऊं में बहुतायत में उगाया जाता है। इन टहनियों को पानी में डालकर भिगा लेते हैं और फिर ये रेशे इनके निकाले जाते हैं। इन रेशों से रस्सियां या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन रामलीला में इनका इस्तेमाल दाढ़ी मूछ बनाने के लिए या विक्स बनाने के लिए किया जाता था। ये भिल्ली के वस्त्र में 3 साल से केले के पत्ते से बना। और सिखाया किसने आपको? ये अपने मन से।
अच्छे लग रहे हो। अगली बार रावण तुम ही करोगे। साज सज्जा वेशभूषा का रामलीला में बहुत महत्व है। कुछ लोग इन्हें दिल्ली, मथुरा, बनारस या बरेली से खरीद कर लाते हैं और कुछ स्थानीय रूप से उपलब्ध साज सामान से ही काम चलाते हैं। सुनहु सकल नृप गण प्राण को चित लाए दे, सुनहु सकल नृप गण प्राण को चित लाए दे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बारीकी से अपने काम को देखते परखते हैं, जैसे अल्मोड़ा का हुक्का क्लब। सामग्री आप यहाँ पर तैयार देख रहे हैं, ये सब हमने यहीं पर तैयार की है। इसके बगैर रामलीला कोरी रहती, यानी रामलीला का 50% हिस्सा ये रामलीला है और इसमें से अधिकांश सामग्री जो है वो हमें उदय शंकर जी के चित्रों से मिली है। अब ये जटायु का आप ये चेहरा देख रहे हैं, ये हमने उन्हीं के एक पेपर से, एक पेपर में एक फोटो छपा हुआ था, उसमें हमने जटायु देखा और उसको वैसा ही रूप देने की चेष्टा की है। रावण तो महान पंडित था और कहते हैं कि उसको 10 पंडितों के बराबर की बुद्धि थी, तो हमने उसके लिए 10 शीश बनाए। रूप सज्जा यूं तो साधारण सी ही होती थी, लेकिन कलाकारों के लिए काफी तकलीफदेह थी। तकलीफदेह क्यों थी ये मैं आपको उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान के जरिए ही बता सकता हूँ। ये खड़िया है जिसे पीस कर बेस बनाया जाता था। बाद में इसकी जगह जिंक पाउडर इस्तेमाल होने लगा। चेहरे का बहुत सफ़ेद होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि छुलके के या बाद में पेट्रोमिक्स के हल्के उजाले में चेहरा सफ़ेद होना दिखाई देने के लिए बहुत ज़रूरी था। काजल, काली दाढ़ी मूछ या भौं के लिए तवे की कालिख में घी मिलाकर उसे इस्तेमाल किया जाता था। गालों की लाली, तिलक, बिंदी आदि के लिए सिंदूर इस्तेमाल किया जाता था। आजकल अलबत्ता ज्यादातर जगहों पर रूप सज्जा की आधुनिक सामग्री ही इस्तेमाल में लाई जाती है। आलेख, बंदिशें, साज सज्जा, वेशभूषा, कलाकार, अभिनय, मंच, ये सब एक मंचीय प्रस्तुतिकरण में होता है। तो कुमाऊनी रामलीला में विशेष क्या है? कुमाऊनी रामलीला की विशिष्टता है जन समुदाय की 100% भागीदारी। जैसे? जैसे कुमाऊनी रामलीला सचमुच में जन सामान्य के द्वारा और जन सामान्य के लिए आयोजित की जाने वाली एक ऐसी नाट्य परंपरा है जो जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब की सीमाओं से बहुत आगे निकलकर मनुष्य के रचनात्मक स्वभाव को प्रकट करती है, उसे परिष्कृत करती है। मेरे अंदर एक कलाकार है और उसको मैं अपना प्रस्तुति करना चाहता था, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्य करने में। मैं जब ग्रीन रूम में मेकअप करता हूँ तो जब राम के मैं तिलक कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात राम शायद इसमें आ गए हों। हमारे अल्मोड़े का माहौल देखा जाए तो हर फैमिली मतलब वो किसी भी धर्म से या किसी भी संप्रदाय से वो ताल्लुक़ रखती है, वो जुड़ी हुई है इन चीज़ों से। धनुष यज्ञ होता है तो उस दिन मैं किसी न किसी राजा का रोल खेलने जाता हूँ। रामलीला से मेरा लगाव मेरे पूरे परिवार का जुड़ा हुआ था, इसी वजह से मैं भी इसमें आया और आज करीब करीब मेरे को
20 साल से ऊपर हो गया, इससे जुड़े हुए। रामलीला का मंचन इतना बढ़िया होता है, इतना अच्छा होता है, यहाँ इतना सरल तरीके से होता है, भाषा एकदम समझ में आ जाती है। यहाँ की रामलीला में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बनावटीपन नहीं है। जैसे प्लेन्स की रामलीला होती है उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल नहीं है। रामलीला कुछ लोगों के द्वारा संचालित सांस्कृतिक घटना नहीं है। रामलीला एक यहाँ बड़ी सामाजिक प्रक्रिया है। ये ठीक है कि एक्टर उसमें हैं और कुछ संगीतकार उसमें हैं, कुछ गायक उसमें हैं, लेकिन पूरा समाज एक तरीके से उसकी तैयारी कर रहा होता है। रामलीला और जनसामान्य के बीच के इस प्रगाढ़ और अटूट संबंध ने शारीरिक अक्षमताओं तक को कभी बाधा नहीं बनने दिया। जैसे मुकेश धस्माना। मुकेश पिछले 20 वर्षों से रामलीला से जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास सर, आत्मविश्वास। मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं विकलांग, मैं बिल्कुल नहीं समझता सर। मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ। मैंने मेघनाथ का भी रोल किया सर। 12 साल तो मैंने तालिका का पाठ किया और जटायु, संपाति, अक्षय कुमार और सुषेण वैद्य। हाँ, राम सिया को एक असुर, हाँ राम सिया को हराम सुर, हाँ राम ले गया है हर कर, हाँ राम सिया को हराम हराम हर। पीढ़ियों दर पीढ़ियों रामलीला से जुड़े सामान्य लोग और उनके परिवार इस परंपरा की एक विशिष्टता है, दादा परदादा के जमाने से लेकर आज तक। पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, और यूं ही अबाध गति से बहती चली आ रही है परंपरा की यह सरिता सदियों से। मेरी पैतृक संपत्ति है ये, हमारे दादाजी, ताऊजी, पिताजी, मेरा छोटा भाई और मैं, सब ये राम लीला पर समर्पित है। मेरे बाप दादा रामलीला से जुड़े थे, उनको देखते देखते मैं भी इस रामलीला में आ गया और इसी रामलीला ग्राउंड में मेरा बचपन गुजरा। मेरा जो सबसे छोटा पुत्र है वो लक्ष्मण का अभिनय श्री लक्ष्मी भंडार क्लब की रामलीला में कर रहा है। गाने लगभग सब सीख लिए मैंने और 29-30 गाने हैं मेरे। मैं 9-10 साल का रहूँगा तो तब से शुरू से बानर या इस तरह की एक जिज्ञासा होती थी बनने की, क्योंकि मन में था कुछ धार्मिक जो हमें संस्कार मिले हुए हैं कि रामलीला के प्रति बचपन से एक आकर्षण रहा। हमारी फैमिली में इसके प्रति इतने इतनी रुचि है कि किसी साल हम किसी वर्ष नहीं खेल पाते हैं तो काफ़ी अजीब सा फील होता है। खुदा का बड़ा शुक्र है कि हम भी मतलब उसी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं और मतलब जब तक हमारे अंदर शौक है और जज्बा है, हमारा पूरा योगदान इस रामलीला में वो जुड़ता रहेगा और यहाँ पर हम लोग लगे रहेंगे। रामलीला का समापन भी नितांत स्थानीय विधि विधान से होता है। राम भरत मिलाप के अगले दिन उन सभी पात्रों द्वारा पूजा करवाई जाती है जिनकी 9 दिन की रामलीला के दौरान मृत्यु होती है, जैसे दशरथ, जटायु, बाली, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ताड़का, सुबाहु, मारीच, खर, दूषण इत्यादि। इस पूजा का उद्देश्य इन सभी पात्रों को मृत्यु के अपशकुन और दुष्परिणामों से मुक्त करना होता है। इस पूजा को उद्यापन कहते हैं। सांस्कृतिक परंपरा की यह अनवृत धारा रंग कर्मियों और रचना धर्मियों के लिए हमेशा एक चुनौती भरा आकर्षण बनी रही है। वे सब अपनी सीमाओं और क्षमताओं के अनुसार इससे किसी न किसी रूप में जुड़ते रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं, शायद कुछ ने इसे किंचित तोड़ा भी हो। एक तथ्य जो निर्विवाद है वह है इस सांस्कृतिक सरिता का उद्गम स्थल अल्मोड़ा, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, जहां आज भी रामलीला जनमानस का अभिन्न अंग है। न सिर्फ यहां अलग अलग मोहल्लों की अपनी अपनी रामलीला कमेटियां हैं, बल्कि दशहरे के दिन पूरा नगर एकजुट होकर अपनी अपनी झांकियां निकालता है जिनमें राक्षसों के कलात्मक पुतले शामिल होते हैं। सांझ ढली,
सारी झांकियां एकत्र होती हैं और सभी पुतलों का एक एक कर दहन किया जाता है। किसी भी परंपरागत नाट्य विधा या सांस्कृतिक उत्सव में जन सामान्य की ऐसी सक्रिय भागीदारी दुर्लभ ही नहीं है, बल्कि समूचे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए एक अत्यंत शुभ संकेत भी है। हर दूषण मोहि सम बलवंता इनहि कोमारई बिनु भगवंता। तो मैं जाई बैरु हठि कराऊं, तो मैं जाई बैरु हठि कराऊं, तो मैं जाई बैरु हठि कराऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं।